हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ गोड्डा बाजार में, गोड्डा मार्केट में, और अभी मैं हूँ रतोरा चौक के पास हूँ, सम्राट काउंटर के पास। तो दोस्तों आप लोग को आज दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा और आज का बाज़ार दिखाऊंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेकर गोड्डा बस स्टैंड तक। तो यहाँ से लेकर आपको सीधे दिखाएंगे यहाँ कैसा कैसा क्या क्या चीज़ है। तो क्या हुआ? तो देख मिथुन जी, पवन लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉक पर बने रहिएगा और दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों रतोरा चौक का नज़ारा खूब ही सुंदर, खूब ही अच्छा। और देखिए दोस्तों यहाँ एक नया भी मार्ट खुला है, देखिए। तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, देखिए रेस्टोरेंट भी है, वी मार्ट भी, देखिए देख लीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा बिल्डिंग, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे की ओर बहुत सारे ऑटो आ रहे हैं, और गोड्डा में चहल पहल पहले से कुछ ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, देखिए। और यहाँ डॉक्टर लोग भी है, बहुत सारे हैं, देखिए। लाइफ केयर हॉस्पिटल, देखिए IDBI बैंक, देखिए देख सकते हैं, खूब सुंदर, खूब ही अच्छा नज़ारा। देखिए गैज, और देखिए कितना बड़ा बड़ा होर्डिंग लग चुका है गोड्डा बाजार में, देख सकते हैं। इधर देखिए डेल का ये काउंटर सेंटर हुआ, देख सकते हैं। इधर बगल में HP का नहीं दिखा सकते दोस्तों, थोड़ा गाड़ी स्पीड में है। और देखिए इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इधर है, देखिए इधर ATM है। और यहाँ देखिए यामाहा का शोरूम, देखिए ये यामाहा का शोरूम हो गया। और देखिए ये LG का शोरूम, हर प्रकार का आपको चीज़ मिल जाएगा गोड्डा बाजार में। गोड्डा बाजार भी कम नहीं है हम लोग का पहले से, अब ये जब से ट्रेन यहाँ आई है, रडानी आई है, तो यहाँ का कुछ विकास में रफ्तार आ गया है। और देखिए ये पुष्पांजलि भी बहुत फेमस है, ये शोरूम देख लीजिए, पुष्पांजलि का शोरूम था। और गैज, और आगे की ओर जा रहा हूँ, और देखते रहिए आप लोग, और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा सीधे, अब ये जो ये रोड दिख रहा है दोस्तों, ये डायरेक्ट देवघर और दुमका चल जाएगा। और गाइस देखिए ये हम लोग अब आ गए हैं हटिया चौक के पास। तो ये हटिया चौक हो गया दोस्तों, हटिया चौक का नज़ारा। आज हटिया नहीं है, हटिया लगती है शनिवार और मंगल को लगती है, बाज़ार लगता है, बाज़ार के ऊपर बाज़ार लगता है। तो बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बाज़ार है। देखिए दोस्तों इधर हटिया बाज़ार हो गया, देख सकते हैं। और इधर के ऑटो लगी रहती है इधर चार बगल, देखिए। और ये होटल रेसिडेंसी, ये भी होटल है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर में बैंक भी है, बहुत सारा गाड़ी भी है। और देखिए इधर हटिया हो गया दोस्तों, हटिया। तो गाइज, और देखिए बजाज का भी शोरूम है, देख सकते हैं गाइज। आप उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए इधर हनुमान जी का भी प्रतिमा है, और देखिए फल वल भी सज चुकी है फल। और देखिए दोस्तों हम लोग का सबसे बड़ा बैंक SBI के पास हम लोग आ चुके हैं, जो हटिया चौक के पास स्थित है, देख सकते हैं आप। और यहाँ होटल स्काई ब्लू, और देखिए ये हो गया SBI का बैंक, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों सैमसंग का हो गया, सैमसंग भारत सेल। और गाइस देखिए अभी थोड़ा भीड़ भाड़ बाज़ार में है, बहुत ही आवाज़ आ रही है, बहुत ही, देखिए। और दोस्तों देखिए यहाँ गोड्डा का बहुत ही पुराना मेला स्टोर, बहुत ही फेमस दुकान, यहाँ हर प्रकार का सामान मिलता है, मनिहारी सामान। और गाइस देखिए अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, देखिए साग सब्जी भी यहाँ बिक रही है, बहुत ही मज़ेदार चीज़। और दोस्तों अभी जाम लग चुकी है, तो जाम लग चुकी है, तो कोई बात नहीं, प्रयास में हम लोग हैं। तो गाइस ये यार न्यू मार्केट, और हम लोग बाईपास की ओर से जा रहे हैं, अब थोड़ा कम ही भीड़ भाड़ है यहाँ इस इलाका में। और दोस्तों अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कारगिल चौक के पास। तो दोस्तों यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा यहाँ कारगिल चौक, जो इसको हम लोग बोलते हैं मेन चौक। यहाँ आप दोस्तों इस चौक में अगल बगल बहुत ही साड़ी दुकान है, कपड़ा दुकान है, देख सकते हैं आप।
चारों बगल देख सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ सेवन हेवन है, यहाँ आपको हर प्रकार की चीज़ मिल जाएगा। सेवन हेवन देख सकते हैं, यहाँ खूब अच्छा लुक, खूब अच्छा नज़ारा। पिंकी ड्रेसेस साड़ी दुकान। और देखिए दोस्तों, ये रहा काली मंदिर, गोड्डा का फेमस काली मंदिर। देखिए खूब अच्छा नज़ारा, और देखिए काली मंदिर नज़ारा। और यहाँ से बालाजी स्वीट्स, और ये रामचंद्रा भोला प्रसाद का दुकान। और देखिए गाइज, अब ये रहा कारगिल चौक, मेन चौक। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ भी होता है अगर धरना प्रदर्शन दोस्तों, तो इसी चौक के पास होता है। इधर से चल गई भागलपुर, और इधर से चल गई दुमका, देख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड के पास, तो देख सकते हैं गाइज, बहुत ही नज़ारा, अच्छा नज़ारा। और देखिए कितना फुटपाथ में कितना दुकान लगी हुई है। और देखिए दोस्तों, ये यार कोर्ट, गोड्डा का मेन कोर्ट। देखिए अब हम लोग गाड़ी थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, एक चौक है, नाम है मेला मैदान के सामने एक चौक है दोस्तों, अब वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ का भी आप नज़ारा देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। अब देखिए रोड हल्का खाली हो चुका है, तो गाइज अभी हम लोग देखिए यहाँ आ गए हम लोग। ये है गांधी मैदान, और ये अशोक स्तंभ है जस्ट हम यहाँ। देखिए किताब घर भी है, बहुत ही अच्छा, खूब अच्छा नज़ारा। और ये रहा नगर पालिका का ऑफिस, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइज अभी हम लोग हैं समाहरणालय के पास, तो यहाँ देखिए बहुत सारा चाट दुकान सब है, चाट दुकान सब चीज़ मिल रहा है देखिए। और अब हम लोग देखिए, ये रहा पुराना समाहरणालय गोड्डा का, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, ये पुराना समाहरणालय गोड्डा का है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों पहुँच चुके हैं गोड्डा का बस स्टैंड, तो देखिए दोस्तों ये रहा गोड्डा का बस स्टैंड, तो देख लीजिए। तो यहीं तक हम लोग का एंड है दोस्तों, यहीं तक हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं गोड्डा का बस स्टैंड, गोड्डा का बस स्टैंड देखिए आप, देखिए गोड्डा का बस स्टैंड। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।